नमस्ते नमस्कार शशिकाल आदाब वडक्कम एंड योर विद नम्रता। सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ विदाउट यूजिंग पिन रबर हेयर डोनट आप हेयर बन कैसे बनाएं, हेयर जूड़ा जो बोलते हैं वो कैसे बनाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने सारे बालों को अच्छे तरीके से गैदर कर ले एक पोनीटेल की तरह। अब अपने लेफ्ट हैंड को बालों के अंदर डालिए और इस तरीके से इसे ट्विस्ट करके राइट हैंड में जितने भी बाल हैं उसको रैप कर दीजिए चारों तरफ, जितने भी आपके जितने भी लॉन्ग या शॉर्ट हेयर हैं इस तरीके से पूरे रैप कर दीजिए। अब जो आपके लेफ्ट हैंड में हेयर है आपको उसको अंदर डाल के जो रिमेनिंग हेयर है उसको बाहर निकालना है। इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से अंदर टाइटली डाल दीजिए कि वो फिट हो जाए एकदम इस तरीके से। और आपका जो जूड़ा है तैयार है विदाउट यूजिंग पिन रबड़। और अब ये जो थोड़ा मैसी हुआ रखा है इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए ये पूरा ऊपर से जो बाल हैं थोड़े पूरे नहीं थोड़े से नीचे इसे शिफ्ट कर दीजिए हेयर को, जिससे कि वो नीट एंड क्लीन दिखे, मैसी ना दिखे हेयर इस तरीके से। एंड या फर्स्ट हेयर स्टाइल इज कंप्लीटेड। सो जो प्रोडक्ट मैं आज यूज करने वाली हूँ बन बनाने के लिए वो ये है फ्रेंच हेयर ट्विस्टी जो मैंने ब्यूटी बिग बैन से मंगाया है। मैं ट्राई करती हूँ कि इससे बन क्रिएट हो रहा है अच्छे से या कितने अच्छे से बनता है। अब सारे बालों को गैदर कर लीजिए, अपने हेयर ट्विस्टी को ओपन करके बालों को बीच पे रखिए और आप अपने बाल के एंड तक लेके जाइए। मैं बीच में ही इसे इस तरीके से रोल करूँगी क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं प्लस मेरे बाल पे लेयर्स हैं थोड़े, तो वो बाल मेरे छूट सकते हैं, इसलिए मैंने आधे पर ही राउंड अप कर दिया है। देखिए नीचे से मेरे बाल थोड़े थोड़े निकल भी रहे हैं, तो अगर आपके शॉर्ट बाल हैं तो बेस्ट है। उसके बाद जब एंड आ जाता है आपको सिर्फ बेंड करना है जो ट्विस्टी जो एक स्केल टाइप है वो आपको सिर्फ बेंड करना है, वो अपने आप राउंड हो जाएगा, अपने आप वो एक बन का शेप ले लेता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में आपका बन रेडी है। इसके बाद गाइज मैं रबड़ बैंड का यूज़ करूँगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आप रबड़ बैंड यूज़ करके भी ये बन आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते वो तो आपको पोनीटेल बना लेना है और रबर बैंड लगा लेना है इस तरीके से, और आपका जो हेयर ट्विस्टी है उसको सेम वही प्रोसीजर रहेगा। आपको बालों को बीच में रखना है दोनों हेयर ट्विस्टी के बीच में और आपको राउंड इस तरीके से रोल करना है अपने हेयर को। देख सकते हैं मेरे हेयर्स में लेयर्स है गाइस, इस वजह से वो रिमूव हो रहे गिर रहे, तो इस तरीके से राउंड कीजिए और बैंड कर दीजिए और धीरे धीरे पूरा स्प्रेड कर दीजिए, मतलब जो आपका कहीं से भी वो हेयर ट्विस्टी दिखाई ना दे और एक बन का शेप ले ले आपका है। सो गाइज मैंने विदाउट यूजिंग रबड़ भी बताया है, विथ यूजिंग रबड़ भी बताया है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपके कन्वीनियंट के लिए कि आपको अच्छे से आप क्रिएट कर सके। सो प्लीज़ गाइज कोई भी मुझे ये कमेंट मत करना कि टाइटल में तो आपने लिखा था विदाउट यूजिंग रबड़ बैंड, तो मैंने विदाउट यूजिंग भी बनाया है। और गाइस ब्यूटी बिग बैन से कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो नीचे जो कोड दिया गया है उस वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मैं मिलूंगी आपको इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश गर्ल्स।